बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किचन विद उमैरा में आपका वेलकम है। आज एक न्यू रेसिपी के साथ मैं फिर हाजिर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ मार्बल केक। उसके लिए हमें चाहिए, यहाँ हमने मैदा लिया है, इसको हमने छान लिया है तीन बार अच्छे से। ये हमने लिया है एक कप और एक टेबल स्पून। इसके अलावा हमने यहाँ घी लिया है। आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं, डाल्टा घी भी ले सकते हैं, चाहें तो मक्खन भी ले सकते हैं। ये हमने लिया है पौना कप। तीन अदद अंडे लिए हैं। चीनी हमने ली है पौना कप। इसके अलावा हमने दूध लिया है पौना कप। इसमें हम सिरका डालेंगे एक टेबल स्पून। इसके अलावा कोको पाउडर लिया है, कोको पाउडर हमने दो बड़े चम्मच लिए हैं। बेकिंग पाउडर लेंगे डेढ़ टेबल स्पून। इसके अलावा वनीला एसेंस। अब हम अपनी रेसिपी शुरू करेंगे। हमने यहाँ दूध में सिरका ऐड करेंगे और बटर मिल्क बना लेंगे। डेढ़ टेबल स्पून हमने अपना सिरका ऐड करना है। उसको मिक्स करेंगे हल्का सा और इसको एक साइड पर रख देंगे। अब हम एक इसके अंदर हम अपना जो है घी डालेंगे। अब हम चीनी और घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको इतना मिक्स करना है कि इसकी इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। हमारे अच्छे से मिक्स हो गई है, इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम एक एक करके इसके अंदर अंडा ऐड करेंगे और इसको अच्छे से बीट कर दिए जाएंगे साथ साथ। अब इसमें दूसरा अंडा ऐड किया, इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तीसरा अंडा भी ऐड करेंगे, इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। अब इसमें एक चुटकी नमक डालेंगे, एक टेबल स्पून इसके अंदर हमने बेकिंग पाउडर डालना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा क्रीमी से टेक्सचर इसका बन चुका है। डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। अब एक एक चम्मच करके इसके अंदर मैदे का डालेंगे और थोड़ा थोड़ा हमारा जो ये बटर मिल्क हमने बनाया हुआ था, ये देखिए कितना प्यारा गाढ़ा सा बन गया। थोड़ा थोड़ा ये ऐड करेंगे। हल्के हाथ से बिल्कुल इसको मिक्स करेंगे। ये देखें कितना प्यारा क्रीमी सा हमारा बैटर बन गया। अब इसे हम दो पोर्शन में डिवाइड करेंगे। अब हमने ये हाफ बैटर निकाल लिया, इसके अंदर हम अपना कोको पाउडर डालेंगे। इसके अलावा हम यहाँ चॉकलेट एसेंस ले रहे हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। टू से थ्री ड्रॉप्स हमने लिए हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमने अपना लूप मोल्ड लिया है, ठीक है। इसको मैंने ऑयल और मैदा लगा के जो है ग्रीस कर लिया है। अब हमने यहाँ अपना बैटर डालेंगे इसमें। पहले हम इसमें अब दो चम्मच हम ये वाइट मैटर डालेंगे, इसके अंदर अपना ब्राउन बैटर के दो चम्मच। ये देखें हमने इसी तरह एक एक चम्मच करके डाला है और हमने सारा अपना बैटर बना लिया। ये देखिए हमने इसकी लेयर्स कर ली हैं। अब हम इसके ऊपर चॉकलेट सिरप डालेंगे अपना। ऐसे ज़िगज़ैग पोजीशन में हमने इसके ऊपर चॉकलेट सिरप डालना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो आप ना डालें। अब हम एक स्टू लेंगे, इसको हम ऐसे करके क्वेश्चन में कर देंगे। अब हम इसे बेक होने के लिए रख देंगे। हमने वहाँ ओवन गर्म कर लिया है, 200 डिग्री पे हम इसको बेक कर लेंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद हम इसको एक बार दोबारा चेक करेंगे। अब हम इसे ओवन में रखने से पहले एक बार ऐसे करके टैप कर लेंगे ताकि कोई एयर बबल जो है तो वह निकल जाए। ओवन में इसको रख लिया, अब हम इसे बेक होने के लिए रख देंगे।
ये देखिए हमने अपना केक निकाल लिया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखें, अब हमने इसे उल्टा लिया है, कितना प्यारा है केक हमारा निकला है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। ये हमारे केक की फाइनल लुक है। अब मैं इसको कट करके दिखाऊंगी। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी रेसिपी। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़। ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, मार्बल इफ़ेक्ट कितना प्यारा है। अब हम इसको कट करके दिखाएंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।